नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाइएगा कि आखिर लोग प्यार में किस हद तक जा सकते हैं। वैसे कहा तो ये जाता है कि जब लोग प्यार में रहते हैं तो उनके लिए किसी भी हद की जो है वो दायरे नहीं होते, कोई बंदिश नहीं होती और सभी बंधनों को तोड़कर लोग अपने प्यार को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वक्त एक बेहद ही हैरान कर देने वाली लव स्टोरी सामने आई है, जहां पर बाघों से भरे जंगल और घड़ियालों से भरी नदी को तैरकर एक युवती बांग्लादेश से कोलकाता पहुंचती है, जिसकी अनोखी प्रेम कहानी जो है वो इस वक्त सामने आई है। पूरी स्टोरी आपको बताते हैं कि आखिर इस युवती को प्यार कैसे हुआ, प्यार होने के बाद किस तरह से इसने उस लड़के को प्रपोज किया और आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस लड़की को घड़ियालों से भरे नदी को तैरकर बांग्लादेश से कोलकाता आना पड़ा। कहते हैं कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, पड़ोसी बांग्लादेश की एक युवती ने इसे चरितार्थ कर दिखाया है। ऐसा रास्ता जहां बाघ जैसे जंगली जानवरों के हमले का खतरा हो, नदी जिसमें घड़ियाल तैरते हुए दिखाई दे रहे हों, अगर कोई ऐसे खतरनाक रास्ते को पार करने के लिए कहे तो जाहिर है भला कोई अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा। लेकिन कोलकाता में मंगलवार को पकड़ी गई बांग्लादेशी युवती कुछ ऐसा ही करके भारत में घुस गई है। उसने बताया कि वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए बाघों से भरे सुंदर वन के जंगल और घड़ियालों से भरी नदी को एक घंटा तैरकर पार करते हुए भारतीय सीमा में दाखिल हो गई है। फिर सड़क के रास्ते कोलकाता आ गई, जहां वह प्रेमी से ना सिर्फ मिली बल्कि शादी भी रचा ली। हालांकि जानकारी मिलने पर पुलिस ने अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने के आरोप में युवती को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद यह मामला प्रकाश में आया। बता दें कि सुंदरवन कोलकाता से सटे दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिले की सीमा से बांग्लादेश के साथ लगती है और यह सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी युवती जान जोखिम में डालकर कोलकाता पहुंचने के बाद 3 दिन पहले उसने यहां कालीघाट मंदिर में शादी रचाई है। मामला प्रकाश में आने के बाद इस प्रेम कहानी की चारों तरफ चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ नरेंद्रपुर थाने को जब उसके अवैध रूप से भारत में घुसने की जानकारी मिली तो पुलिस ने युवती को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार युवती का नाम कृष्णा मंडल है और वह बांग्लादेश के सतखेरा जिले की रहने वाली है। सूत्रों के मुताबिक कृष्णा को मानवीय आधार पर बांग्लादेश हाई कमीशन के हवाले किया जा सकता है। ऐसे में पुलिस के मुताबिक युवती की कोलकाता के नरेंद्रपुर इलाके के रहने वाले अभिक मंडल के साथ फेसबुक से दोस्ती हुई, इसके बाद दोनों को प्यार हो गया। पुलिस के अनुसार कृष्णा मंडल के पास कोई पासपोर्ट या वीजा नहीं है, ऐसे में उसने अवैध रूप से भारत में घुसने के लिए खतरनाक रास्ते को चुना, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अपने प्यार को पाने के लिए यह युवती बांग्लादेश से भारत पहुंचती है और जंगलों के रास्ते से यह युवती यहां पर आती है, जिसे अपने जान को लेकर कोई डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए, अपने प्रेमी को पाने के लिए इस युवती की तरफ से ये कदम उठाया जाता है। हालांकि ये सही कदम बिल्कुल नहीं है और यही वजह है कि उस युवती की गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में बात अगर हम करें तो ये युवती जब कोलकाता पहुंची तो इसने अपने प्रेमी से मुलाकात की, दोनों की बकायदा मंदिर में शादी भी हुई है। लेकिन जैसे ही ये खबर पुलिस को मिली, ये सूचना पुलिस को मिली, तुरंत उस युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको लेकर आगे की कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जाएगी। ऐसे में इस स्टोरी को सुनकर, इस प्रेम कहानी को जानकर आपकी क्या राय है, या आप प्रेम में किस हद तक जाने को तैयार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।